अल्लाह दरवाजे के सामने हम खड़े हुए देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था? नमाज पढ़ कर दी, नहीं बना सकते इतना। महिलाएं अब घरों से बाहर निकल रही हैं। शाहीन बाग ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पे महिलाएं भी अब बढ़ चढ़कर विरोध कर रही हैं। महिलाएं रामपुर की भी बाहर निकली हैं, लेकिन इनके विरोध अलग है, इनकी मांगे अलग हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। दरअसल मामला है 21 दिसंबर 2019 का, जब नागरिकता संशोधन बिल को लेकर धरने चल रहे थे, विरोध हो रहा था, तो शहर रामपुर में भी इसको लेकर पुरजोर विरोध हुआ था और ये विरोध जो है वो हिंसक हो गया था। इस हिंसक विरोध में एक शख्स की जान भी गई थी। पुलिस ने उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू करी और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काफी लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घरों में घुस के लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बलवाइयों को गिरफ्तार किया जिन्होंने माहौल खराब किया था, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया कार्रवाई करने के बाद, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं। तो इन महिलाओं का कहना यह है कि ये लोग बेकसूर हैं, इन लोगों को पुलिस ने बिना किसी जुर्म के जेलों में बंद कर रखा है। महिलाओं का कहना है कि उल्मा की आवाज पर ही हमारे बच्चे घर छोड़कर बाहर निकले थे और उल्मा ही अब हमारे बच्चों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाएं। मंगलवार को ये लोग जामा मस्जिद पे इकट्ठा रहे। महिलाओं ने कहा है कि हमारे बच्चों को छुड़वाने की कोशिश की जाए, नहीं तो शेर काजी जो हैं वो इस्तीफा दें। शेर काजी के इस्तीफे की मांग रामपुर से उठ रही है। ये लोग चाहते हैं कि शेर काजी हमारे बच्चों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वाएं। लेकिन वो झूठे हैं, मकाल हैं, धोखा दे रहे हैं। शुरू शुरू हमें धोखा दे रखा, धोखे अब तक दे रहे हैं। कब छोड़ते हैं, कल छोड़ते हैं, परसों छोड़ते हैं, हमने इतने छोड़ दिए, हमने इतने छोड़ दिए। हमारी बहनें हैं, हमारे जितना उनको असर है उससे कुछ कम हमें असर होगा शायद, या उतना ही होगा। इसके मुकाबले में कि वो हमसे आम के यहाँ पर कहें धरना दे, हमारे साथ तख्तियाँ उठाएँ, इसका कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जब होगा कि जाए कलेक्टर के कोठे में धरना दें, वहाँ बैठे और तरफ यह है कि NRCCCA के विरोध में काफी प्रदर्शन बीते महीने चले थे, ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे, लेकिन लोगों ने अपनी आस नहीं छोड़ी है। शाहीन बाग में अभी तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के कई इलाकों में ये प्रदर्शन चल रहा है। चाहे हम बात कर लें जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, चाहे हम बात कर लें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, ये प्रदर्शन चल रहा है। लोगों को गिरफ्तार किया गया है, यही नहीं कि जिला रामपुर से सिर्फ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरे हिंदुस्तान से गिरफ्तारियाँ हुई हैं। वाकई के दल भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो बेकसूर लोग हैं उनको छोड़ा जाए, क्योंकि पुलिस की जांच पर काफ़ी सवालिया निशान है कि पुलिस ने किस तरीके से लोगों को किस आधार पर गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद का किस्सा था जहां पर बन्ने खां इस दुनिया में नहीं थे, 6 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन पुलिस ने उनको भी आरोपी बनाया था। तो सवाल यही उठता है कि पुलिस किस तरह से जांच कर रही है। अगर जो लोग बेकसूर हैं पुलिस को उनको छोड़ना चाहिए, पुलिस को यह हक नहीं है कि बेकसूरों को जेलों में बंद किया जाए। तो इसी को लेकर रामपुर में महिलाएं जो हैं वो विरोध कर रही हैं, धरने पर बैठी हैं और उनकी उम्मीद शहर काजी हैं। शहर काजी से बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो प्रशासन से बात करें और उन लड़कों को, उन बच्चों को जेल से बाहर निकलवाएं जो 21 दिसंबर को रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो।